हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और ये लेक्चर सबसे पहली बात तो पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीडिंग की बात की थी, अर्थिंग की बात की थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिर से वही सारा कहानी है कि जो सीधे सीधे इस वीडियो में सीधे जंप किए हो वो सीधा यहाँ जंप मत करो, पीछे के सारे वीडियोज को देख लो तभी यहाँ पर आओ, तो तुमको कुछ मजा आएगा। अगली बात कि पिछले वीडियो में छोटा सा क्लिप कट गया था, ठीक है। तो वो थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा कटा नहीं था, बस थोड़ा है ना एडिट करने में ही उड़ गया था, ठीक है। तो बाकी समझ में आएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक रीडिंग के बारे में बात कर चुके थे और अर्थिंग के बारे में बात की थी, और तीसरा था कनेक्शन ऑफ टू स्फीयर के बारे में बात किए थे। लंबा वीडियो हो रहा है और आज के वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को लेंगे। और छोटा सा तुम लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी इसको बोलते हैं, उसके साथ में एकदम कंसंट्रेट करके पूरा वीडियो को देखा करो, ठीक है। कनेक्शन शुरुआत से लास्ट का है, ठीक है। हम शुरुआत से एक ही चीज को जो बताते आ रहे थे उसका कनेक्शन कहाँ का कहाँ निकल जाता है और वो सीधे लेक्चर में दिखता है। ये क्लास नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझ लो। ये पार्टीशन होने का मतलब ये नहीं कि हम क्लास की तरह इसको ज्वाइन करके रखे हैं ना, इसलिए थोड़ा ये पार्टीशन नहीं कि ना सिंपल सेपरेट वीडियो है किसी चीज के बारे में। इसे थोड़ा सा अपने स्तर पे इस बात को मेंटेन करके रखो, ठीक है। जो प्रीमियर देख रहे हैं उनको थोड़ा समझ में आता है डेली, ठीक है। और सीधे जो डायरेक्ट जंप किए उनको थोड़ा इशू आएगा कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, वो चीजें कहाँ से आ रही है। थोड़ा ये कंटिन्यू लेक्चर वालों के लिए ना, तो थोड़ा अपने लिए शुरुआत से देखो और कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सवाल है, आज बहुत सारे सवाल करेंगे, छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं ना। रिकॉल करने के लिए सबसे पहला चीज था हमारा शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो शील्डिंग क्या था कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी एक मेटल कंडक्टर है, तो मेटल कंडक्टर के अंदर में हमने एक कैविटी बना। अच्छा, कितने लोगों ने वो क्या बोलते उसको एक्सपेरिमेंट किया था, वो मोबाइल को रैप करके मजा आया था, कॉल नहीं लग रहा होगा, है ना, ठीक है। तो चलो ठीक है, साइंस है, साइंस वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक कैविटी हमने बनाया था, कैविटी के अंदर में चार्ज यहां है, यहां है, यहां है, कहीं है, इस बात से कोई मैटर नहीं कर रहा था कि बाहर वाले चार्ज को हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे। उस वाले चार्ज को पता नहीं चल रहा है कि चार्ज है कहां पर, इज इट ओके। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर सेंटर पर अगर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो हमने ऑब्जर्व किया था कि यहां पर इस वाले पर हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिखेगा माइनस में, अगर ये सेंटर पर है तो, और अगर ये इधर आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। हम फास्ट फास्ट से बोल रहे हैं क्योंकि ये सारा बात हम पहले बता चुके हैं, बस रिकॉल करने के लिए। अगर यहां माइनस आ जाएगा तो सेम चार्ज यहां प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम यहां पर बोलेंगे पहला बात तो यहां पर इस वाले कंडीशन में हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस बना लो, नेट चार्ज हमको जीरो दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू जीरो होता है। और हमको पता है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्योंकि शुरुआत में न्यूट्रल था, बाद में हमने चार्ज बनाया, शुरुआत में न्यूट्रल था तो प्लस और माइनस मिलकर के जीरो होगा ही। और अगर हम बाद में कोई भी चार्ज लेकर के आएंगे तो इसके सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, जिसके वजह से अंदर वाले में कोई इफेक्ट नहीं डेवलप होगा। यही था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बस इतना ही। इसका खूब यूज करेंगे आज, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर वे में समझ में आएगा, ठीक है। इस पर पूरा डिस्कशन हो चुका था कि कैसे कैसे वर्क करता है। अगला चीज था हमारा कि हमने अर्थिंग किया, मान लेते हैं हम इसी मेटल कंडक्टर को हम अर्थ कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने ऐसा एज्यूम किया था कि अर्थ बहुत 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 बड़ा स्फेयर है, जिसके ऊपर छोटा सा चार्ज रख दोगे तो उसके सरफेस पर एकदम पूरा चार्ज फैल जाएगा। इस कारण से उसके कारण पोटेंशियल कुछ बनेगा नहीं, ऑलमोस्ट जीरो टाइप का ही बनेगा। तो हम मान लिए कि अर्थ का पोटेंशियल हर समय जीरो ही रहेगा, चाहे उसको मतलब करंट जैसे करोगे तो उसके कारण वो अर्थ का पोटेंशियल जीरो ही रहेगा हर समय। तो उससे जिसका कनेक्शन हुआ वो भी चाहेगा उसका पोटेंशियल जीरो कर दे, तो इसके लिए इस सरफेस का ये बोल देगा पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। जिससे कनेक्शन हुआ उसका पोटेंशियल वो कर देगा जीरो। आफ्टर अर्थिंग द कंडक्टर, है ना, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू जीरो, चार्ज जीरो नहीं करना है, पोटेंशियल को जीरो करना है। सवाल आगे दिख ही रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और ये सवाल बहुत खूबसूरत है, इसको सब कंसंट्रेट होकर के सुनना है। हम अभी तेज तेज बोल रहे हैं, यहाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ समझ में आया। सेकंड के बाद अगला कंडीशन यही है कि अगर हम मानते हैं मेटल कंडक्टर को दूसरे मेटल कंडक्टर से जोड़ देंगे डायरेक्ट वायर से, तो चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ,
जब तक होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। इज इट ओके? इतनी सारी बात हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना, इसको लिखेंगे नहीं, बस बता दिए, रिकॉल कर दिए। अब जो अगला सवाल है, इस सवाल की खूबसूरती देखना, ये सवाल का हम एक और वर्जन लेंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर करेंगे। यहां वर्ड यूज किया गया फाइंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल, ठीक है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल हमको निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ, वो भी निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले ये एक मेटल कंडक्टर है, क्या है, मेटल कंडक्टर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इसका रेडियस है यहां पर r, और इसके बाहर में यहां पर किसी 3r डिस्टेंस पर कोई प्लस q चार्ज यहां पर रख दिया गया। पता है कोरोना का जो नया मामला मिल रहा है वो दुनिया में सबसे तेज भारत में, बचकर के रहो, है ना, घर में रहो, सेफ रहो, बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलो, बिजनेस विजनेस तो तुम लोग को है नहीं, छोड़ो पढ़ो, है ना, तो थोड़ा ये भी देखो, लॉकडाउन लगभग लगभग टूट ही गया है, लेकिन अपना सेफ रहो, है ना, थोड़ा सैनिटाइजर वगैरह यूज करो, दूरी मेंटेन ही रखो ज्यादातर, और कंसियस रहो कि कोई बीमार वगैरह से ये कॉन्टेक्ट में नहीं आ जाए, है ना। चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, हम क्यों बोल दिए ये बात, बस एक छोटा सा तुम लोग को अवेयर करने के लिए, हाँ भाई रहना चाहिए, ठीक है, साथ, है ना। तो मेटल कंडक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, मेटल कंडक्टर के प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी किया होता है, हम पहले जानते हैं मेटल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल हमारा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, मेटल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो और पोटेंशियल हमारा कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां, उतना ही पोटेंशियल यहां, हर जगह पर, और उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, सरफेस का पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। तो हम एक दो पिक्चर बनाते हैं, है ना, एक पिक्चर नंबर वन बनाते हैं, ठीक है, हम कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं, हम बोलते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है, दिख रहा है क्या पिक्चर, चलो दिख रहा है, ये रेडियस इसका आर है, ठीक है ना, इसका रेडियस आर हम बना दे रहे हैं, ठीक है, इधर है ये आर है रेडियस, ठीक है, हम पहला पिक्चर बना रहे हैं, जबकि मेटल कंडक्टर नहीं है, मेटल कंडक्टर नहीं है, तब सोच के देखना यहां पर सिर्फ चार्ज है क्यू, इज इट ओके, चार्ज है क्यू, तो हम इस सी पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं, बी पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं, और ए पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सी, हमको एक बात बताओ, अगर चार्ज नहीं, ये मेटल कंडक्टर नहीं है तब, ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो तब इस सवाल को बना रहे हैं, इसको इरेज़ कर दे, सबसे पहला हम देख रहे हैं क्योंकि चार्ज यही है, चार्ज यही है, ठीक है, तो अगर ये चार्ज यहां पर है तो इसके कारण इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, हमको वो बता सकते हो क्या, पोटेंशियल एट ए, है ना, पोटेंशियल एट ए, क्योंकि चार्ज यही है तो बता सकते हो यहां से लेकर डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहां से लेकर 3r डिस्टेंस है, ये तो कितना हो गया 2r हो गया क्या, क्योंकि ये r है डिस्टेंस, 3r में से एक r खत्म हो गया तो r बचेगा, और ये डिस्टेंस आई थिंक हो जाएगा 4r डिस्टेंस, है ना, तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, इसके कारण kq upon x, या r है ना, तो kq upon 4r हो जाएगा ये डिस्टेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, v बराबर kq upon r होता है ना जी, r क्या होता है, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यही ना चार्ज है यहां पर, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3r, तो kq upon सॉरी 4r, है ना, डिस्टेंस यहां पर 4r, उसी तरह से हमको बता सकते हो vb का वैल्यू क्या हो जाएगा, kq upon 3r, और vc का वैल्यू हो जाएगा kq upon 2r, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि तीनों का पोटेंशियल में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है नहीं है, ये बता दो, ऑब्जर्व हुआ, देखो kq तो ऊपर में सब जगह सेम है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो कम हो जाता है, यानी कि हम साफ देख रहे हैं कि va छोटा है vb और फिर ये vc, यानी सबसे बड़ा पोटेंशियल vc का, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था क्योंकि चार्ज के नजदीक में है ये पॉइंट c, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर थोड़ा कम होगा, और उसके बाद यहां पर और कम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था हमारा पिक्चर नंबर वन, ठीक है, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है,
इसको इरेज कर दिया। आप ध्यान सुनना यहां से, ये इसमें बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं था। अब फिजिक्स देखना, सवाल तो ये नहीं था, सवाल ये थोड़ा ना था, ये निकालने थोड़े बोला था। फिजिक्स यहां है, हम एक काम करते हैं, इस पिक्चर को हम रीड्रॉ करते हैं फिर से यहां पर ऐसे, ठीक है। और यहां पर है, हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब ये है हमारा बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हमको पता है कि ये एक मेटल कंडक्टर है और मेटल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता, ये पता है ना सबको, क्योंकि ये प्लस चार्ज यहां पर रहती है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ही। अगर ये निकालेगा तो ये इसमें तो पास करेगा नहीं, और अगर पास नहीं करेगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको जीरो करना है इसके लिए इसको हर जगह पे सेम पोटेंशियल बना के रखना पड़ेगा। अरे बस में, और ये मेटल कंडक्टर न्यूट्रल था, इस कारण से क्या हो, एक और बात हम ऐसे हो सकते हैं, ये प्लस है तो ये न्यूट्रल चार्ज के कारण इस पर इधर की तरफ कुछ अपने आप निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना, कुछ इंड्यूस्ड चार्ज निगेटिव इंड्यूस करेगा, और उसी तरह से यहां पर प्लस चार्ज इंड्यूस होने लगेगा, है ना, प्लस में क्यू आई इंड्यूस होगा यहां पर। तो ये इस तरह से करेगा चार्ज इंड्यूस कि जिसके कारण कि यहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, समझ में आया बात, सॉरी पोटेंशियल जो है जितना, मतलब इसके अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ये इस तरह से चार्ज को इंड्यूस करेगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात, देखो ये प्लस है, इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर दिखा और उसी कारण से यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पर हमको दिख जाएगा। इस कारण से हम कह देंगे इसके पूरे स्फेयर पे पोटेंशियल हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि जितना पोटेंशियल ए का होगा उतना ही पोटेंशियल बी का होगा, उतना ही पोटेंशियल सी का हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर इंडक्स, है ना। पिक्चर नंबर टू, जैसे ही हमने मेटल कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया उस जगह पे यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही कंडक्टर यहां पर इंट्रोड्यूस होगा तैसे ही कुछ इंड्यूज चार्ज यहां पर हमको दिखने लगेंगे, और इंडक्शन के कारण, ना लिख लेते हैं, नहीं गेम लिख लेते हैं, आफ्टर इंसर्शन, है ना, इंसर्शन ऑफ मेटल कंडक्टर सम चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द मेटल कंडक्टर सच दैट पोटेंशियल ऑफ स्फेयर बिकम्स कॉन्स्टेंट। अब सवाल है, कॉन्स्टेंट तो हो गया, पोटेंशियल इसका कॉन्स्टेंट हो गया, पोटेंशियल होगा कितना, तो हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल बाद में जो भी इंडक्शन वगैरह सब हो जाएगा, इसके कारण भी सब के कारण यहां पर पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होने वाला है, यानी जितना पोटेंशियल ए का होगा उतना ही पोटेंशियल बी का होगा, उतना ही पोटेंशियल सी का हो जाएगा, यानी कि बाद का जो पोटेंशियल होगा हम उसको कह देते हैं, है ना, आफ्टर इंसर्शन बी ए डैश इक्वल टू हो जाएगा बी बी डैश इक्वल टू हो जाएगा बी सी डैश, ठीक है, यानी कि तीनों का पोटेंशियल बराबर, क्योंकि स्फीयर के सरफेस से लेकर के सेंटर तक हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि ए पर बी पर और सी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, शुरुआत में क्या था, जब कंडक्टर नहीं था, ये कंडक्टर नहीं था तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिख रहा था, यानी कि हम देख रहे थे कि सी पर पोटेंशियल हमको ज्यादा दिख रहा है और ए पर कम दिख रहा है ना, ऐसे यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, तो हम इस ये क्या करता है, कंडक्टर कुछ इस तरह से चार्ज को इंड्यूस करता है कि ए का वैल्यू को यहां पर बढ़ाता है और सी का वैल्यू घटाता है, और घटाओ बढ़ा करके बी बी के बराबर लाएगा, ये वाला वैल्यू जो है ना यहां पर सी पर ज्यादा था, इसका वैल्यू घटेगा, ए का पोटेंशियल बढ़ेगा और ये बढ़ घट करके बी के मामले में बच जाएगा, क्योंकि बी पर कोई चार्ज इंड्यूस हुआ नहीं है, यहां का जो पोटेंशियल पहले था वही पोटेंशियल अभी भी रह जाएगा, बी पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं नया आया है तो यहां पर कोई पोटेंशियल तो जो था पहले वही रह जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो भी बी के ही बराबर हो जाएगा जो पहले था। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर सुनो मेरी बात को, यही पर यही सारा क्रक्स है कि ये इस तरह से करके चार्ज को इंड्यूस किया गया है ताकि सरफेस से लेकर के सेंटर तक अभी पोटेंशियल सेम हो जाना।
हम पहले देख रहे थे कि यहां पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पर है ना, यहां पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पोटेंशियल कम है, तो ये क्या होगा, ये कम होगा और ये इधर बढ़ेगा, इस कारण से बी का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि बी पर कोई चार्ज नया आया नहीं है, तो इसलिए बी पॉइंट पर का पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो जितना भी चीज होना है वो सी का पोटेंशियल घट करके बी के बराबर आना है और ए का पोटेंशियल भी बढ़ करके भी ए के बी के ही बराबर आना है। तो वही हम कह रहे हैं कि जितना भी ए डैश होगा, बी डैश होगा, सी डैश का पोटेंशियल भी बी के बराबर हो जाएगा। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस वाले सिचुएशन में और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड पोटेंशियल है ना, इंड्यूस्ड चार्ज है ना, इंड्यूस्ड चार्ज है ना, चार्ज के कारण होगा, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज पोटेंशियल एट ए डैश, दिख रहा है, जो ए डैश है वो तो बी के बराबर है। तो एक बात बताओ कि ए में पोटेंशियल में इंसर्शन हुआ है, जुड़ा है, तो पोटेंशियल एट ए जो था उसमें से कुछ ए इंड्यूस हुआ है ना, पोटेंशियल, नहीं सुन रहा, यहां पर कुछ चार्ज आया है ना जी, देखो ध्यान से, यहां पर कुछ चार्ज आया है ना, इस चार्ज ने कुछ ना कुछ यहां पर पोटेंशियल को इंड्यूस करवाया है क्या ए पॉइंट पर, तो हम कह रहे पोटेंशियल ए इंड्यूस्ड, जो कि है बाद में बढ़ करके वीवी के बराबर हो गया, पोटेंशियल एट ए जो ये था, ठीक है, जो ए इंड्यूस हुआ है वो अब बी के बराबर है या फिर ए डैश के बराबर है, ठीक है। तो हम अगर ए इंड्यूस निकालना चाहते हैं, वी ए इंड्यूस्ड निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, के क्यू अपॉन आर थ्री आर माइनस में के क्यू अपॉन फोर आर हो जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो के क्यू अपॉन आर तो बाहर आ जाएगा, वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगा, और यहां सॉल्व कर रहे हैं तो के क्यू अपॉन आर दिख रहा है यहां से, और यहां हो गया हमारे पास वन अपॉन ट्वेल्व पोटेंशियल, ठीक है। इतना पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है इस वाले सरफेस के ऊपर, जो कि साफ दिख रहा है पॉजिटिव है, तो हम पहले ही बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर आना चाहिए। हाँ, ये चार्ज कितना होगा इंड्यूस चार्ज, हम ये अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि तो पूरा का पूरा अजीब तरीके का इंडक्शन हुआ, यहां पर थोड़ी ना एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, वो हम नहीं कर सकते यहां पर, कोई दिक्कत। ये था हमारा ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, हम वो भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको पहले यहां तक पहले कॉपी कर लो, जल्दी से जल्दी कॉपी करो। पोटेंशियल इंड्यूस्ड है ना, कमाल का हो गया कॉपी, चलो ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम बात करेंगे है ना बी पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट पर, बी पर तो चार्ज है ही नहीं है ना, अगर हम सी पॉइंट पर बात करें तो हमको क्या दिखेगा, सी पॉइंट पर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सी, सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे भी जो बना है पहले सी, उसमें से कुछ इंड्यूस चार्ज घटेगा, तो यहां पर निगेटिव चार्ज है, हम इसको प्लस कर रहे हैं बी इंड्यूस्ड, इसको भी इंड्यूस्ड एट सी कर रहे हैं, इज इक्वल टू हम कर देते हैं भी, वो अपने आप निगेटिव बना मिल जाएगा, तो भी इंड्यूस्ड एट सी इक्वल टू हो जाएगा भी बी माइनस में भी सी, तो भी बी का वैल्यू कितना है, साफ दिख रहा है क्या, के क्यू अपॉन थ्री आर माइनस में के क्यू अपॉन टू आर हो रहा है, तो के क्यू अपॉन माइनस में वन अपॉन सिक्स हो जाएगा यहां पर आर, यानी कि निगेटिव चार्ज आ रहा है यहां पर, निगेटिव पोटेंशियल यहां पर इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ये पोटेंशियल एट सी इंड्यूस हो गया, कोई दिक्कत, कॉपी कर लो इसको, अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो इसको। अगर नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लो, अगला सवाल फिर से बनाते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो। हम सारा चीज एकदम सेम रहने दिए हैं, अभी कुछ भी नहीं चेंज किए हैं, बस एक जो अभी यहां पॉइंट चार्ज था हम उसको रिप्लेस कर दिए एक रिंग से, ठीक है।
ठीक है, सेम सवाल है वही, पोटेंशियल इंड्यूस करवाना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब पिछले सवाल में हम एक चीज छोड़ दिए, ठीक है, हम बाद में देखें, वो इसमें हम कर लेंगे, तुम लोग का काम रहेगा उसमें कर लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखे हैं रिंग के कारण, तो रिंग के कारण पोटेंशियल हमको पहले ये देख लो कि रिंग के कारण पोटेंशियल किसी जगह पर किसी एक्स डिस्टेंस पर कितना बनता था, अगर ये रेडियस आर है तो ये होता था कि आर, यहां पर बनता था के क्यू अपॉन आर, है ना, ये नहीं बनता था ये डिस्टेंस वाला आर, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। नहीं पता है तो ये बता दिए, याद रख लो इतना होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो फिर से हम मान लेते हैं कि ये मेटल कंडक्टर नहीं है, तब हम ए बी और सी पॉइंट पर इस रिंग के कारण हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो चलो हम ये सब तो पॉइंट पता है, हमें को ये चाहिए डिस्टेंस हर बार, है ना, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, और हम इसका नाम दे देते हैं कुछ पी पॉइंट, है ना, ये है प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर हम पी सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते, ये वाला लाइन समझना, ये रिंग के कारण यहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं तीन के कारण, तो पोटेंशियल है ना किसी एपी का वैल्यू बता सकते हो कितना हो जाएगा, क्योंकि तो फोर आर है और ये हमारा आर है, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा 16 प्लस में 1 17, यानी कि एपी का वैल्यू हो जाएगा रूट 17 आर, ठीक है, एपी का वैल्यू। उसी तरह से हमारे पास एबी का वैल्यू दिख रहा होगा, सॉरी एबी नहीं, बीपी का वैल्यू, है ना, बीपी का वैल्यू, बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, है ना, वो पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहे, है ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास आर रूट 10, और सीपी का वैल्यू दिख रहा है हमको रूट ओवर 2, 4, 5, यानी कि आर रूट 5 आर। तो पोटेंशियल एट ए, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ओनली, रिंग ओनली एट ए कॉमा बी एंड सी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट ए पोजिशन क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन दैट मच ऑफ डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन दैट मच ऑफ डिस्टेंस कितना है आर रूट 17। उसी तरह से बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर रूट 10, है ना, और उसी तरह से बीसी बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर रूट 5। चलो दिख रहा है, ठीक है, या तो इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमको एक चीज जानना है कि जैसे ही हमने मेटल कंडक्टर को इंसर्ट किया, है ना, यहां पर, है ना, ये तो हम वैसे बना दिख भाई ऐसा पोटेंशियल बनना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मेटल कंडक्टर इंसर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लस चार्ज कुछ चार्ज को इंड्यूस कर देगा, निगेटिव चार्ज यहां लेके आ जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, इस तरह से करेगा इस जगह पर, यहां पर, यहां पर, तीनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी के बराबर एन होगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ मेटल कंडक्टर, पोटेंशियल एट ए डैश, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, पोटेंशियल एट ए जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एट बी के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी के बराबर हो जाएगा, जो कि प्रीवियसली जो बी पोटेंशियल था उसके ही बराबर आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू साफ दिख रही है कि क्यू अपॉन आर रूट 10 आने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए जो आ रहा है वो पहले वाले का जो पोटेंशियल साफ दिख रहा है कम है, और यहां पर ज्यादा है, ये कम है, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल जुटा होगा, तो पोटेंशियल एट ए में से पोटेंशियल कुछ इंड्यूस्ड हुआ होगा एट ए पोजिशन, तो बना होगा वीबी, तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड एट ए पोजिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर रूट 10 माइनस में ए का के क्यू अपॉन आर रूट 17 सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर 1 अपॉन रूट 10, बेसिकली रूट 17 माइनस में रूट 10 अपॉन रूट ओवर 170, है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल। सिमिलरली अगर हम अब सी के बारे में हम नहीं बनाएंगे, सी वाला तुम लोग बना लेना, ठीक है, समझ में आ गया मेरा पूरा कहानी, ये वाला सवाल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से करके चार्ज अरेंज हो जाए, क्योंकि मेटल कंडक्टर है तो चाहेगा हर समय मेरा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट हो जाए, और पोटेंशियल इस तरह से कांस्टेंट करेगा कि सरफेस से लेकर सेंटर तक हर जगह पोटेंशियल बराबर कर देगा।
सरफेस का पोटेंशियल निकाल दिए, सेंटर का पोटेंशियल निकाल दिए, सरफेस अब दोनों बराबर होना चाहिए होना चाहिए ना, लेकिन हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा है, तो कम है तो बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चार्ज लाना पड़ेगा, तो वही इंड्यूस कर गया है यहाँ पर चार्ज। तो चार्ज इंड्यूस क्यों हो रहा है मेटल कंडक्टर में, उसका एक सेकेंड व्यू ये भी है तुम्हारे हिसाब में अब आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, अब हो गया कॉपी। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में है ना, कि अगर हम अर्थ कर दें है ना इसी को, फाइंड हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर द अर्थिंग है ना, हाउ मच चार्ज होना चाहिए, ठीक है। कॉपी हो गया, हाउ मच चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर द अर्थिंग, अर्थ कर दिए हैं स्फीयर को, स्फीयर को अर्थ से अब कनेक्ट कर दिए। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये बात तय है ना, ये बात तो समझ में आता है कि जैसे ही अर्थ करेंगे है ना, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। तो आफ्टर अर्थिंग का एक पिक्चर बना लेते हैं, चलो यहीं पर हम इसी करते हैं, ये पिक्चर नंबर थ्री है हमारा, पिक्चर नंबर थ्री है और हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। आफ्टर अर्थिंग इस पे हम मान लेते हैं कुछ क्यू चार्ज आ चुका है ना, क्यू चार्ज इस पे हमको दिख रहा है, क्योंकि मेटल कंडक्टर पे नेट चार्ज कुछ नहीं था, अभी भी देख लो जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू, दोनों सेम चार्ज है, न्यूट्रल था हमारा। अब हम बाद में कह रहे हैं इस पे चार्ज क्यू आ चुका है, ये इसलिए आया है क्योंकि इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो कर पाए, जीरो क्यों करेगा ये भी सोच के देखो, क्योंकि शुरुआत में चार्ज था नहीं, लेकिन ये चार्ज तो है ना, ये प्लस है तो यहां पर पोटेंशियल बना रहा है, इस प्लस ने यहां पर पोटेंशियल बनाया है, इसको खत्म करने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ अर्थ सप्लाई करेगा चार्ज, जिससे कि उसका पोटेंशियल जीरो कर पाए, ठीक है। इसीलिए हम कह देंगे पोटेंशियल आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, सच दैट चार्ज ऑन मेटल कंडक्टर इक्वल टू क्यू है ना, मेटल कंडक्टर पे चार्ज हमारा क्यू पर मिटा दे, इतना सा ठीक है। सिमिलर सा केस पिछले सवाल में भी कर लेना, ठीक है ना, तो मेटल कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ चुका है क्यू, तो मेटल कंडक्टर के कारण है ना मेटल कंडक्टर पे चार्ज क्यों आ चुका है, तो यहां पर भी जब पोटेंशियल जीरो आ चुका है तो यहां पर पोटेंशियल जीरो आ चुका होगा, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एट बी क्या होना चाहिए, जीरो। सरफेस का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और यहां पर भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल पहले इस रिंग के कारण, यहां बताओ पोटेंशियल क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन रूट टेन है ना, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर इक्वल टू जीरो। रिंग के कारण पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर रूट टेन प्लस में स्फेयर के सरफेस पर चार्ज है क्यू, तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर इक्वल टू जीरो। केस आर खत्म हो गया, यहां से क्यू का वैल्यू गया माइनस में क्यू अपॉन रूट टेन, दैट्स योर आंसर। इतना चार्ज सरफेस पर हमको दिख रहा है इस पर, और ये चार्ज शुरुआत में था नहीं, और क्योंकि निगेटिव है तो हम कह देंगे कि निगेटिव ऑफ माइनस में क्यू बाय रूट टेन चार्ज सप्लाई किया गया है ना, दैट इज माइनस में क्यू बाय रूट टेन है ना सप्लाइड बाय द अर्थ, क्योंकि शुरुआत में कोई था नहीं, अर्थ ने ही दिया होगा सारा कहानी। कोई दिक्कत, छाप लो अगले क्वेश्चन की तरफ, अब मूव करते हैं। छाप लो छाप लो छाप लो जल्दी से जल्दी छाप। जो अगला सवाल कह रहा है, कंसीडर अ थिन कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर होना चाहिए, ठीक है रेडियस आर, कैरिंग टोटल चार्ज क्यू, एक थिन कंडक्टिंग सेल है उसके ऊपर चार्ज है क्यू, और टू पॉइंट चार्जेस हैं यहां पर, हमको एक प्लस क्यू यहां पर दिख रहा है ए पोजिशन पर, और प्लस टू क्यू यहां पर बी पोजिशन पर दिख रहा है, रेडियस वगैरह दिया हुआ। कह रहा है कि कितना सेल के ऊपर चार्ज आया है बाद में, हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, सॉरी
अर्थ पे कितना चार्ज ने फ्लो करवा दिया है बाद में, क्योंकि अर्थ पे चार्ज ने फ्लो करवाया और नेट पोटेंशियल इसने जीरो कर दिया होगा। इस सवाल को आप देखो, ऐसे सवाल को आप बनाना है क्योंकि आप मेटल कंडक्टर पे चार्ज है, कंडक्टर के अंदर में चार्ज है, तो कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट वगैरह की भी बात हो सकती है यहाँ पर, करेंगे। तब सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पिक्चर बनेगा, अभी इसे ध्यान समझ लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है चार्ज को, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमको चार्ज करना है, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि इस केज के अंदर में चार्ज है प्लस क्यू, ये क्या चाहेगा, इस वाले सरफेस के अंदर में यहां पर माइनस क्यू चार्ज लेके आए, है ना, तो कुछ इसी तरह से पिक्चर बना सकता है ऐसे, यही है ना हमारे पास। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज है क्योंकि देखो सेंटर से आधे डिस्टेंस पर, रेडियस के आधे डिस्टेंस पर है हमारे पास, आर बाई टू डिस्टेंस पर है चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ ज्यादा चार्ज होगा, इधर की तरफ कम चार्ज होगा, उससे हमारा लेना देना है नहीं, हम इतना तो कह देंगे भाई माइनस में क्यू चार्ज तो आएगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा जरूर चार्ज का, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, सॉरी माइनस ही होगा ना, माइनस चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में चलेगा, कोई दिक्कत। और उसी तरह से अगर यहां माइनस चार्ज आ रहा है तो इस वाले के ऊपर प्लस, इस वाले सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हमको ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा, इतना बात तो समझ में आता है। और ऑलरेडी हमने अगर प्लस क्यू चार्ज इस पर दिया हुआ था तो अब इसके सरफेस पर हमको प्लस टू क्यू चार्ज यहां दिख रहा है, और एक प्लस टू क्यू चार्ज यहां पर भी दिख रहा है, और यह हवा में उड़ते हुए उधर नहीं जाएगा, तो जो जहां है वही रह जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमको चार्ज का कॉम्बिनेशन हमको इसी तरह का ऑब्जर्व हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि हमको बताओ, यह शुरुआत में कंडीशन दिख रहा है ना, आफ्टर अर्थिंग क्या होगा, आफ्टर अर्थिंग, है ना, आफ्टर अर्थिंग ये हमारा दूसरा पिक्चर बनेगा, ये होगा पिक्चर नंबर टू। एक हम बनाएंगे पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण, और एक बनाएंगे अर्थिंग के कारण, या फिर जब कनेक्शन ओरिएशन करेंगे, है ना, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। अर्थिंग का केस में कभी भी अर्थिंग सीधे नहीं लगा देना है, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है चार्ज को, एंड देन फिर अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लगा देना, पोटेंशियल जीरो कर देना है, बस यही सीखे। तो चलो ठीक है, अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, तो पहले एक करके बनाते हैं। ये हमारे पास कंडक्टर, और यहां पर हमने चार्ज रखा है प्लस टू की, ठीक है, थोड़ा हम और हटा सकते हैं इसको, यहां पर प्लस में टू क्यू चार्ज दिख रहा है, यहां पर हमको दिख रहा है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर दिख रहा है हमको प्लस क्यू चार्ज, है ना, यहां पर ये सेंटर है, ये पोजीशन पर हमको दिख रहा है प्लस क्यू चार्ज, और इस साइड में हमको दिख रहा है माइनस क्यू चार्ज, और इस वाले पर हमको दिख रहा है प्लस में टू क्यू चार्ज, क्योंकि दिख रहा है प्लस क्यू प्लस क्यू। लेकिन जैसे ही हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे इसको, ये क्या चाहेगा कि इसका सरफेस पर कुछ चार्ज सप्लाई कर देगा, पहला बात, क्योंकि ये बाहर से हम कनेक्शन किए हैं तो इसके अंदर के चार्ज को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ये चार्ज इस पर हमको भी नहीं दिखेगा, हम इस पर कह देते हैं कुछ चार्ज आ चुका है, बाद में आफ्टर अर्थिंग चार्ज एपियर ऑन द मेटल सेल इज प्लस क्यू सच दैट पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, है ना, इसमें कोई दिक्कत है, चार्ज एपियर ऑन मेटल कंडक्टर इक्वल टू, है ना, इज प्लस क्यू सच दैट भी इक्वल टू जीरो, ये हमको ऑब्जर्व होगा कि भी इसका हमको जीरो करवा देना, तो भी अब इसका जीरो करवाते हैं, है ना, इस सेल का जीरो करवाते हैं। तो कैसे कैसे जीरो करवा देंगे, तो भाई इस सेल का जो पोटेंशियल होगा जीरो, और इसके कारण भी जो पोटेंशियल बनेगा उस सबको जीरो करवाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है यहां पर, उस सबको हमको यहां पर जीरो करवाना पड़ेगा। तो इसका अगर पोटेंशियल जीरो आ गया है तो इससे इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है, हमको दिया हुआ टू आर, ठीक है, तो पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू पॉजिटिव टू क्यू चार्ज भी ड्यू टू प्लस टू क्यू चार्ज एट सेंटर प्लस भी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आउटर फेस इक्वल टू जीरो, दोनों के कारण ही जीरो होगा। तीसरा बात कि ये दोनों चार्ज
इस दोनों चार्ज के कारण हम अंदर में कोई पोटेंशियल ऑब्जर्व ऐसे भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस दोनों के कारण कोई भी इन्फ्लुएंस, यहीं पर सबसे बड़ा क्रक्स है भाई, देखो ध्यान से, ये दोनों ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करके रख लिया है, तो हम सिर्फ इसके कारण और इसके कारण ही पोटेंशियल यहां पर अब जीरो करवाएंगे, इस दोनों कारण पोटेंशियल यहां पर जीरो नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपने आप में ऐसे ही मगन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ही कन्फाइंड करके रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कन्फाइंड करके रखा है और सारा इस तरह से कनेक्शन करके रखा है कि पूरे स्फीयर का पोटेंशियल इसने जीरो बना के रखना है, या फिर अगर ये रहेगा तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट करके रखेगा, है ना, सिंपल सा बात है, वो कुछ इंडक्शन वगैरह भी आ जाएगा वहां पर जो पीछे वाले केस में देख रहे थे। फिर सुन लो मेरी बात को, हम क्या क्या बोले, क्योंकि प्लस क्यू टू क्यू चार्ज, दूसरे तरीके सोचो, प्लस टू क्यू चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस नहीं सकता, घुस सकता है क्या, नहीं घुस सकता, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है बताओ तो, पोटेंशियल क्या होता है, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से लेकर के आने के लिए, है ना, इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल, अभी उनको कह रहा है पोटेंशियल ही जीरो है, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से तक लाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं वर्क करना पड़ा भाई, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है कि नहीं निकाला, निकाला ही, तो इसने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्यों, ये दोनों तो निकालने वाला ही नहीं है, तो हम इस दोनों की बात तब करेंगे ही नहीं, आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आ कि नहीं यार, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ही नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से उठाकर लेके आए हैं सरफेस तक, तभी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल हमारा जीरो है, वर्क नहीं हुआ है, ये ना पोटेंशियल ही जीरो है तो कहें इसको, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, सरफेस पर पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क तो होगा नहीं यहां पर, ठीक है, अब समझ में आया, चलो अब आगे बात करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस टू क्यू चार्ज और इसी कारण, तो टू क्यू के कारण सेंटर पर कितना होगा पोटेंशियल, के टू क्यू अपॉन टू आर, अब प्लस में के इसका चार्ज है क्यू अपॉन आर इक्वल टू जीरो, के आर खत्म हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया माइनस में क्यू, ठीक है, तो इतना चार्ज हमको यहां पर दिखेगा, इसका मतलब हो गया कि क्यू चार्ज यहां से अंदर गया है, ठीक है, ये था आंसर इसका, ठीक है, सॉरी क्यू नहीं, ये तो अभी दिख रहा है ना, अभी ये हमको दिख रहा है क्यू का वैल्यू माइनस क्यू इसके सरफेस पर दिख रहा है। अब एक बात बताओ, लेट कर लेते हैं कि एक्स चार्ज है ना सप्लाई हुआ है या फिर गया है गोज इनटू अर्थ, अर्थ में एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ में चला गया। अब पहले कितना चार्ज था भाई इसके सरफेस पर, पहले कितना था चार्ज इसके ऊपर, प्लस टू क्यू था ना जी, उसमें से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया है, बाद में कितना दिखा, बाद में कह रहे भाई अर्थ में जाने के बाद सब खत्म वतम होने के बाद हमको प्लस क्यू चार्ज दिख रहा था, अरे वो समझ, तो हम एक्स अमाउंट निकाल सकते हैं, अब तो यहां से हमको दिख रहा है टू क्यू माइनस में एक्स इक्वल टू माइनस में क्यू, एक्स अमाउंट क्या जाएगा थ्री क्यू चार्ज, यानी कि प्लस थ्री क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा अर्थ में गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है, बी है, ए है, पता नहीं कैसे, जो भी है देख जाना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गया, इजी था, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था ये, वैसे ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाना इसको अच्छे से, अर्थिंग पर अब से हम लोग सवाल लेंगे सेल वाले, ठीक है, और यहां से थोड़ा सीरीज ऑफ कुछ सम क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, कॉपी कर लो यार, कॉपी करो जल्दी से कॉपी करो, ध्यान से देखो इस सवाल को, कह रहा है बहुत सिंपल सा, पहले स्टेप ही समझ ले, कुछ है नहीं इसमें, कह रहा है कि इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, बहुत सारा सेल वगैरह है दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सारे सेल्स हैं और इसके सेंटर पर कुछ प्लस थ्री क्यू चार्ज रखा गया है, इस वाले के ऊपर माइनस टू क्यू चार्ज दे दिया गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया, इस पर प्लस में फोर क्यू चार्ज दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एक करके, हमको पता है शील्डिंग इफेक्ट एक तो वो, और हमको ये पता है सेकेंड नंबर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू जीरो होता है,
है ना, ये दो कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्लिडिंग इफेक्ट के कारण बताओ सेंटर पर कितना चार्ज है, प्लस थ्री क्यू, तो उसके कारण से क्या चाहेगा इस स्फेरिकल, ये सारा स्फेयर है, रिंग नहीं समझ लेना। ठीक है, स्फेयर और रिंग में आप तो समझ में आ चुका होगा भाई, डिफरेंस तो है। ठीक है, चलो रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस थ्री क्यू चार्ज है तो हम कह सकते हैं यहां पर माइनस में थ्री क्यू चार्ज आएगा, है ना, इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों आएगा, क्या बात करते हैं सर, ऐसे मिलेगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम कह देते हैं यहां पर प्लस में थ्री क्यू चार्ज आया है और हम अंदर वाला एक कंडक्टर बनाते हैं ऐसे करके, ये सिर्फ इतना ही हिस्सा बना देगा, इस पर भाई इसने कहा है कि माइनस टू क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पर माइनस टू क्यू चार्ज है। खैर, हम यहां पर प्लस थ्री क्यू चार्ज रखा गया था, हमें काम करते हैं, हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं यहां से ऐसे करके, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो है, गॉस लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ डी ए होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर में जीरो है तो अंदर का नेट चार्ज ही जीरो हो जाएगा, इफ ई का वैल्यू जीरो तो क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू जीरो, तो अंदर में इनक्लोज्ड से कुछ चार्ज रहेगा नहीं। अब अगर यहां प्लस थ्री क्यू है तो जीरो करने के लिए यहां पर तो माइनस थ्री क्यू आना पड़ेगा, अब ठीक है, ओके। अब बताओ इस कंडक्टर के ऊपर हम दिए थे कितना चार्ज टोटल, माइनस थ्री क्यू, माइनस टू क्यू दिए थे, तो टोटल अभी भी माइनस टू क्यू ही दिखना चाहिए, तो टोटल चार्ज है इस पे, और हम यहां पर माइनस थ्री क्यू ला लिए हैं, तो हमको यहां पर क्या प्लस क्यू चार्ज लेके आए, देखो तो माइनस थ्री क्यू और प्लस क्यू कितना आ रहा है, माइनस टू क्यू आ रहा है ना, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, ये वाला जो कंडक्टर है ये कंडक्टर आइसोलेटेड है, तो इस पे चार्ज कहीं से नया आ नहीं सकता और कहीं से जा नहीं सकता, इसलिए इसका टोटल तो भाई माइनस टू क्यू ही रहना। ठीक है, यहां तक बात, चलो अब अगले इसके ऊपर बात करते हैं, है ना, अगला वाला ये हो, इसके ऊपर इसको बना देना, इस पर प्लस में क्यू चार्ज टोटल दिख रहा है, फिर से हमको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जैसे जीरो होगा तो वहां पर हमें गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ये पूरे में हम गॉसियन सरफेस बनाए, हम ये पूरा फिर से रिड्रॉ नहीं कर सकते, तो नेट चार्ज अभी भी फिर से जीरो हो जाएगा, है ना, तो नेट चार्ज है कितना अंदर में, देखो तो प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू जीरो हो गया, सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है यहां पर, है ना, देखो यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, तभी ना जीरो होगा, नहीं समझ आ रहा बात, इस स्फीयर के अंदर में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो नेट चार्ज है कितना अंदर में, थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू जीरो, यहां प्लस क्यू बचा तो उसको जीरो करने के लिए माइनस क्यू आना चाहिए, और अगर यहां माइनस क्यू आ रहा है और यहां पर टोटल प्लस क्यू है तो हम यहां कह सकते हैं क्या कि प्लस टू क्यू चार्ज आ गया क्या, देखो तो टू क्यू में से एक क्यू चला जाएगा तो सिर्फ एक क्यू बचेगा, है ना, तो इस तरह से करके यहां प्लस टू क्यू चार्ज अपने आप अपीयर होगा इस वाले पे, क्योंकि कुछ चार्ज इधर आएगा कुछ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होकर उधर चला गया। अब अगला जो थर्ड वाला स्फीयर है हम उसको ऐसे करके बना दे रहे हैं, इस पर टोटल चार्ज इसने कहा है कि प्लस फोर क्यू है, ठीक है, सिमिलरली फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है तो क्यू इनक्लोज्ड भी हमारा जीरो होना चाहिए, अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर अंदर में चार्ज नहीं होना चाहिए तो देखो तो टोटल चार्ज है कितना, प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, सिर्फ प्लस टू क्यू है, इसको हटाने के लिए हमको यहां पर माइनस टू क्यू लाना पड़ेगा, और यहां पर प्लस फोर क्यू दिख रहा है जिसमें प्लस सिक्स क्यू, तो यहां चार्ज ला ही सकते हैं तभी तो हमको प्लस में फोर क्यू दिखेगा, और इस तरह से करके हमको पूरे के पूरे स्फीयर पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसको बनाने का आप कितना तो तितर बितर नहीं करेंगे लेकिन कॉपी कर लो, ठीक है, ये एकदम लो लेवल का सवाल था, सवाल नहीं था बेसिकली, कुछ था नहीं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था क्योंकि इसका आप यूज करेंगे आगे, कॉपी कर लिया जल्दी से। जिसको नहीं समझ में आगे बस देखो क्योंकि अगले सवाल में तो यूज करेंगे इसको, जल्दी से कॉपी करो जल्दी। कह रहा है कि आफ्टर अर्थिंग, सवाल आ गया होगा स्क्रीन पर, ठीक है, आफ्टर अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, अर्थ ने कितना चार्ज इस पे सप्लाई किया, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ। सबसे पहला नंबर में सवाल अर्थ कर रहे, हम पहले बता चुके हैं अर्थ को हटाओ चुपचाप से, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले चार्ज को, और उसके बाद जिसको हम अर्थ किए उस पर कुछ चार्ज मान लो कुछ है और फिर वहां पर उसका पोटेंशियल जीरो कर दो, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, बस यही काम करना है। सेंटर पर इस बार चार्ज नहीं रखे तो अगर हम बोल दें यहां पर चार्ज नहीं रखे तो फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे,
इसके अंदर फिर से कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, यहां पर कोई चार्ज नहीं बनेगा। ठीक है, तो सारा चार्ज जो माइनस टू क्यू है वो तो यहां पर दिखने लगेगा। ठीक है, यहां पर टोटल चार्ज माइनस टू क्यू था, यहां पर हमको माइनस टू क्यू दिखेगा। और अभी सीखे हैं कि जब मैं आ माइनस टू क्यू इस वाले शेप पे, इस वाले फेस पे, उसका जस्ट अपोजिट चार्ज दिख जाता है, तो टू क्यू यहां पर दिखेगा प्लस टू क्यू। अब देखो यहां प्लस टू क्यू दिख रहा है और यहां पर हमको टोटल चार्ज होना चाहिए सिर्फ क्यू, तो जरूर है कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज रहना पड़ेगा, तभी ना टू क्यू में से क्यू जाएगा तभी एक क्यू बचेगा। और अगर यहां माइनस क्यू है, यहां पर हमको प्लस क्यू दिखना चाहिए, और टोटल फोर क्यू है, इस वाले पर हमको प्लस में थ्री क्यू चार्ज आना चाहिए। अब अर्थ नहीं किए हैं अगर, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अर्थ करेंगे, ठीक है, अर्थ करने के बाद का पिक्चर बनाते रहे लोगों को। अब देखना ध्यान से, अर्थ करने के बाद इसका चार्ज जीरो, इस पर चार्ज कितना है माइनस टू क्यू, इस पर चार्ज कितना है प्लस टू क्यू, और इस वाले पर माइनस क्यू, इस पर है प्लस क्यू, और इस पर हम मान लेते हैं आफ्टर अर्थिंग, अर्थ के बाद इस वाले पर चार्ज आ चुका है प्लस क्यू, जिस पर आया है उस पर मान लो कुछ भी चार्ज आ चुका है कि उसका हमको नहीं पता क्या, क्योंकि अर्थ अब सप्लाई कर सकता है चार्ज, ये आइसोलेटेड नहीं रहेगा। अरे बस समझे ना, ये है हमारा मेटल कंडक्टर, तो आफ्टर अर्थिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर अर्थिंग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो, इस वाले का जीरो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू ऑल, है ना, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, तो पोटेंशियल एट सी जीरो हो जाएगा, किसी किसी कारण, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, है ना, प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू सी, सब जीरो हो जाएगा एट सी पोजिशन, सी पोजिशन पर इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल ए बी सी सब के कारण जीरो होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सी पर ही जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल कहीं पर भी लिखने के लिए हम तरीका सिखा चुके हैं, और ऐसे ही लिखते थे वैसे ही कर लेंगे। अब बता इस रिंग के कारण, जो भी स्फेयर है, सॉरी इस स्फेयर के कारण यहां पर पोटेंशियल क्या बनेगा, ठीक है, वो लिखते हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना है माइनस टू क्यू है, माइनस टू क्यू अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है थ्री आर है, यार ये टू आर और ये थ्री आर था, थ्री आर प्लस के, इस पर चार्ज कितना है टोटल क्यू, है ना, के क्यू अपॉन फिर से थ्री आर ही हो जाएगा डिस्टेंस थ्री आर, और इसके इस वाले फेस पर कितना चार्ज है, इस वाले फेस पर के क्यू अपॉन थ्री आर, और आउटर वाले फेस पर है सिर्फ क्यू, है ना, यहां पर देखो ध्यान से, यहां से तक का डिस्टेंस आ गया आर, ये डिस्टेंस हो गया टू आर, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा थ्री आर, इस पर जो टोटल चार्ज है माइनस टू क्यू है, इसे लिखे के क्यू बाय थ्री आर, इस पर चार्ज कितना है देख लो थ्री, सॉरी क्यू है, हाँ क्यू है, तो के क्यू अपॉन थ्री आर, और इस पर क्योंकि यहां पर अलग अलग चार्जेस हैं तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि टोटल चार्ज कितना है क्यू प्लस में क्यू अपॉन थ्री आर इक्वल टू जीरो, तो के थ्री आर तो सबका कॉमन आकर के खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा माइनस टू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहां साफ दिख रहा है क्यू का वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी कि आउटसाइड पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, आउटसाइड पे कोई भी चार्ज अब नहीं दिख रहा है ना, अब अगर नहीं दिख रहा है तो भाई दिख तो रहा था ना, चार्ज कितना था इस पे प्लस थ्री क्यू है, तो हम मान लेते हैं, नेट कर लेते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ, ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं कि पहले से चार्ज था थ्री क्यू, हमने अर्थ ने और एक्स सप्लाई किया तो बाद में हमको चार्ज दिखने लगा क्यू, बात समझ में आया, शुरुआत में था थ्री क्यू, अर्थ ने एक्स और सप्लाई किया, अर्थ ने यहां से इसको एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज और सप्लाई कर दिया तो बाद में हो गया क्यू, क्यू का वैल्यू है जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया माइनस में थ्री क्यू, यानी कितना माइनस थ्री क्यू चार्ज अर्थ ने सप्लाई कर दिया है, समझ में आ गया, एकदम इजी सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया अगला क्वेश्चन,
कॉपी करो कॉपी करो। अरे कुछ नहीं किया, जिसको अर्थिंग किए उस पर कुछ क्या बोले, एक ही चीज तो बार बार बता रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, कॉपी करते जाओ ठीक है। इसको जिसको मैरिट किया उसका पोटेंशियल हम लिखते हैं जीरो ठीक है। कॉपी करो जल्दी 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 कॉपी करो। इस बार इस वाले को हमने कनेक्ट नहीं किया है ना, इस बार हमने इसको कनेक्ट कर दिया है ठीक है। तो हम इसको नहीं मानेंगे ठीक है, अभी हम यहीं से हटा दे रहे हैं इसको, ध्यान से देखना क्योंकि हम इसको इस क्योंकि अर्थ इस पे सप्लाई करें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्थ अभी यहां पर इसको कुछ तो डिस्टर्ब करेगा ही। तो हम मान लेते हैं इस पर चार्ज आ चुका है क्यू, इस पर चार्ज आ चुका है क्यू और मेरा हो चुका है इंक खत्म। अब क्या होगा, जैसे उस पर चार्ज आ जाएगा क्यू तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अर्थिंग के बाद इसका पोटेंशियल हो चुका है जीरो, और जीरो होने के लिए हम मान लिए इस पे चार्ज आ चुका है क्यू, तो यहां पर कितना आएगा माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा ठीक है। तो समझ में आता है। और इसका टोटल चार्ज था कितना, फोर क्यू था है ना, इस पर टोटल चार्ज कितना था फोर क्यू था, अब यहां चार्ज है माइनस क्यू, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा बता दो, इस वाले फेस पर यहां पर आउटसाइड में बताओ, यहां पर हमने लाया है माइनस क्यू चार्ज, इस पर टोटल था फोर क्यू ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पर नहीं समझ में आ रहा है, इस पर एक्स मान लो चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे माइनस क्यू और प्लस एक्स दोनों मिल करके फोर क्यू के बराबर होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर क्यू प्लस में क्यू हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर क्यू प्लस क्यू, तभी ना प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ फोर क्यू। इस वाले के ऊपर हो गया फोर क्यू चार्ज टोटल इस वाले आउटर फेस पे। और इस सारे कहानी में हम यही कह सकते हैं कि इस बार बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो दिखेगा, क्योंकि हमने अर्थ इसको किया है आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू जीरो, मजा आ गया है ना, पोटेंशियल ऑफ बी। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी किसे कारण ड्यू टू ए प्लस है पोटेंशियल ऑफ बी ड्यू टू बी और ड्यू टू सी, सब कारण जीरो। अब B पॉइंट पर A के कारण पोटेंशियल क्या बनेगा, तो K इसका जो चार्ज है बाय 2R डिस्टेंस है ना, क्योंकि इससे 2R डिस्टेंस पर है ये, तो K इसका चार्ज है माइनस में 2Q अपॉन 2R डिस्टेंस। इस पर बात करते हैं, इस पर खुद के कारण K इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज दिख रहा है हमको यहां पर देखो ध्यान से, प्लस 2Q दिख रहा है और एक और Q दिख रहा है, प्लस 2Q और एक और Q दिख रहा है अपॉन 2R दिख रहा है, और इसके सरफेस पर जितना भी पोटेंशियल होगा वही यहां पर होगा, क्योंकि इसके अंदर में आ गया तो इसके सरफेस वाला के कारण इसके अंदर में दिखेगा हमको, तो प्लस में इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल, इसके सरफेस पर, इस पर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, टोटल चार्ज इस पर है कितना फोर क्यू इधर है, तो के फोर क्यू अपॉन थ्री आर इक्वल टू जीरो है ना, के आर और के आर खत्म हो गया, यहां से टू भी खत्म हो गया, साफ दिख रहा है माइनस में क्यू अब प्लस में क्यू, अब प्लस में क्यू बाय टू हो जाएगा, टू से टू खत्म हो गया और प्लस में फोर क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो, और यहां से तुम अब क्यू निकाल सकते हो है ना, ये तो खत्म हो गया, तो साफ दिख रहा है कि क्यू बाय टू इक्वल टू माइनस में फोर क्यू बाय थ्री, तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्यू का वैल्यू दिख रहा है माइनस में एट क्यू अपॉन थ्री, इतना दिख रहा है चार्ज इस वाले के ऊपर। अब शुरुआत में था कितना इसके ऊपर, देखो माइनस क्यू था, तब मान लेते हैं है ना, इसको इस वाले को हटा दे रहे हैं, एक्स नहीं बोलते, फिर से बोलो, लेट एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ, तो शुरुआत में कितना था माइनस क्यू, अर्थ ने कितना सप्लाई किया एक्स, बाद में कितना हो गया क्यू, शुरुआत में था हमारे पास माइनस में क्यू, बाद में अर्थ ने भी कुछ सप्लाई किया है एक्स, सॉरी एक्स हमारा सप्लाई कर दिया, बाद में हो चुका है हमारे पास इतने चार्ज हो चुका है क्यू, और क्यू का वैल्यू इसने बता चुका है माइनस में एट क्यू अपॉन थ्री, तो क्या एक्स का वैल्यू निकल सकता है माइनस में एट क्यू अपॉन थ्री और प्लस में क्यू, सॉल्व करोगे तो आई थिंक साफ दिख रहा है कि माइनस में फाइव क्यू अपॉन थ्री इतना सप्लाई हुआ है अर्थ से, कॉपी कर लो, मजा आ गया होगा इस बार, अब तो समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी कॉपी कर दे जाओ।
इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, इसका इसमें कुछ है नहीं। तुम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हो उसको थोड़ा फ्रेश फ्रेश बना रहे हो ना। एक तो पहला पिक्चर ये बनाना है रिडिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके बाद आफ्टर अर्थिंग ऐसे करके ना, तो पहले लिख लो या फिर है ना रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसे करके लिख लेना है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और ये हो गया हमारा आफ्टर अर्थिंग, है ना, अर्थिंग के बाद हमको ये पिक्चर दिखेगा। अभी जो अगला सवाल है इसमें क्या कर दिया है कि हाँ दो अर्थिंग कर दिया है, इसको भी अर्थ कर दिया है ऐसे करके, और इसको भी अर्थ कर दिया है, ठीक है, तो फिर यहीं से कचरा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलो एक एक करके हटा देते हैं सबको, इसको भी हटा देना, ठीक है, 3R वगैरह को भी हम हटा दे रहे हैं, इसको हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अब, ठीक है, अब तो तुम लोग को पता चल गया होगा। अब एक बात बताओ, क्योंकि अंदर में सेंटर पर अभी भी चार्ज नहीं है, ठीक है, इसलिए एक ही डेटा पर हम सारा सवाल बना रहे हैं, इसको हम अर्थ कर दिए, तो इसका पोटेंशियल जीरो कर देना, इसका पोटेंशियल जीरो कर देना, बस यही तो कहानी है। अंदर में चार्ज नहीं है अभी, इस पर मान लेते हैं, क्योंकि अभी अब हम नहीं कह सकते कि इस पे चार्ज का मामला क्या होगा, है ना, हम मान लेते हैं इस पे चार्ज आ चुका है कुछ एक्स, है ना, अर्थ ने सप्लाई करके रखा है कुछ एक्स अमाउंट का चार्ज आ चुका है। अगर यहां x आएगा तो यहां पर कितना आएगा, माइनस में x आएगा, है ना, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, और इस पर टोटल चार्ज था हमारा प्लस q, यहां पर अगर हम कह दें इस वाले पर प्लस q और प्लस में x अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आ गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर तो, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है, इस पर चार्ज आ नहीं सकता नेट, है ना, तो अगर यहां माइनस q दिख रहा है तो इस पर कहीं ना कहीं प्लस q और प्लस q यहां पर x दिखेगा, x और x खत्म होकर सिर्फ बचेगा से प्लस q, ये आइसोलेटेड है, इस पे चार्ज आ सकता है क्योंकि अर्थ भेजा, ठीक है, इसलिए इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहा, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि इसका उसके ऊपर शुरुआत में चार्ज प्लस क्यू था, इंड्यूस हुआ है यहां पर माइनस पे एक्स, तो यहां पर प्लस में एक्स दिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि प्लस और माइनस खत्म हो गए थे, सिर्फ बचेगा प्लस क्यू। अब ठीक है, अब जितना चार्ज यहां उतना चार्ज यहां दिखेगा माइनस में, तो माइनस क्यू और माइनस में एक्स दिखेगा तब इस वाले पे। अब फिर से हम कह देंगे यहां से अर्थिंग है, इसका मान लेते चार्ज है वाई, हमको नहीं पता क्या है, बस ये कर सकते, इसलिए छोड़ देते हैं। पोटेंशियल एट ए हम जीरो करेंगे पहला, और पोटेंशियल एट बी, सॉरी पोटेंशियल एट सी करेंगे जीरो दूसरा। ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ए पॉइंट पर ए के कारण पोटेंशियल, बी के कारण पोटेंशियल, इसके कारण ए पर पोटेंशियल क्या लिखोगे, के इसका चार्ज है सिर्फ एक्स अपॉन आर, इसके कारण इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही यहां होगा, इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के इसका चार्ज है टोटल सिर्फ क्यू अपॉन 2R, और इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल दिख रहा है, इसके इसके पास यहां पर दिख रहा है माइनस में q प्लस माइनस में x और प्लस में y, है ना, तो k माइनस q माइनस में x प्लस में y अपॉन 3R इक्वल टू जीरो, है ना, तो यहां से तुमको x और y में एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और उसी तरह से ये तुम्हारा टास्क हो जाएगा, हम बना दें, एक बना देते हैं, चलो ठीक है, एक सॉल्व कर दे रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है ना, तो एलसीएम दिख रहा है 6, यानी कि 6x प्लस में 3q, है ना, अब प्लस में माइनस में 2q माइनस में 2x और प्लस में 2y इक्वल टू जीरो, इज इट ओके, तो 9 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 7q इक्वल टू हो गया यहां से 2x माइनस में 2y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और उसी तरह से हम बीसी का वैल्यू भी जीरो निकाल सकते हैं, सी पॉइंट का जीरो कर लेते हैं, तो सी पॉइंट पर जीरो करेंगे क्या हो जाएगा, इस पर जीरो करना है, इसे हम लिखना पड़ेगा, मतलब यहां पर जीरो करना है, तो कहां चल जाएगा यहां पर, तो k इसका चार्ज है एक्स अपॉन 3R प्लस में k इसका चार्ज है क्यू सिर्फ अपॉन फिर से 3R और प्लस में इसका चार्ज है टोटल, इसका चार्ज कितना है k माइनस क्यू माइनस में एक्स प्लस वाई अपॉन 3R इक्वल टू जीरो, 3R खत्म हो गया, k भी खत्म हो गया, क्या बचेगा x प्लस में q माइनस में q माइनस में x और प्लस वाई इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया x भी खत्म हो गया, तो y का वैल्यू साफ दिख रहा है हमको यहां से जीरो, और y का वैल्यू अगर जीरो दिख रहा है
x का वैल्यू साफ दिख रहा है हमको 7q/2, x भी आ गया और y भी आ गया। अब हमको लिखना है सप्लाइड बाय द अर्थ, है ना, चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ है ना एट दिस पॉइंट। तो पहले कितना था भाई इसका चार्ज, -2q था, और अर्थ ने, हम अर्थ ने मान लेते हैं कि कुछ q अमाउंट ऑफ या q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है ना, यहां पर अर्थ ने कुछ q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, यहां पर q2 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। तो q1 प्लस में -2q है ना, ऐसे लिखेंगे ना, q1 प्लस में यानी कि -2q इक्वल टू हो गया x, ठीक है। तो q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7q/2 प्लस में 2q यानी कि 11q/2, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ ने यहां पर सप्लाई किया है। और यहां पर q2 के बारे में क्या ख्याल है, q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले से था 3q और y है नहीं, है ना, तो हम मान लेते हैं कि क्या कर देंगे, यहां से q2 भी आया है और y तो बाद में बचा है ना, अब प्लस में 3q है और बाद में y बच गया, तो y का वैल्यू 0 ही है, तो q2 का वैल्यू दिख रहा है माइनस में 3q। चलो हम ही सॉल्व कर दिए सारा, यानी कितना अर्थ ने यहां पर सप्लाई किया और इस पर यहां पर सप्लाई किया, तो टोटल सप्लाई कितना हुआ, दोनों को ऐड कर लेना, q1 प्लस में q2, टोटल चार्ज सप्लाई बाय द अर्थ, लिख लेना नीचे में, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ, है ना, ठीक, वो q1 प्लस में q2। अब लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। इस बार इसके सेंटर पर फिर से हम 3q चार्ज ले लिए हैं, तो इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, थोड़ा बदल लेते हैं चीज को, तो मोनोटोनस हो जाएगा। प्लस 3q है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में 3q आएगा, -2q लाना है, इसका मतलब यहां पर कितना लाना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज लाना पड़ेगा, तभी हमको दिखेगा माइनस में 3q इस वाले सरफेस पर। यहां पर अगर प्लस क्यू आएगा तो इस वाले पर माइनस क्यू आएगा, और यहां पर हमको साफ दिखेगा +2q चार्ज, है ना, 2q में से 1q जाएगा तभी 1q बचेगा, और यहां अगर +2q दिखेगा इस वाले पर हमको दिखेगा -2q, इस पर दिखेगा हमको प्लस में 6q चार्ज, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसने, अच्छा, इनर वाले को आउटर वाले से सीधा तार से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो पूछ रहा है तार से कितना चार्ज का फ्लो हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है, करके बनाते हैं पिक्चर फिर से, यही है हमारा सवाल, यही है जो है ऐसे, ठीक है। इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया, तो इस पर चार्ज कितना दिख रहा है, यहां पर तो हमको दिख रहा है माइनस में 3q चार्ज। अब एक काम करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, हम मान लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं कुछ q अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, मूव है ना, पासेस थ्रू वायर, वायर से कुछ q अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर गया है, सच दैट पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, याद है वायर से क्या होता है, पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, याद है ना ये चीज, कि पोटेंशियल बराबर करवा देता है, यानी कि चार्ज यहां से निकल करके यहां जाएगा, क्यों जाएगा यहां से यहां, क्योंकि छोटा स्फीयर है, यहां पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, डिपेंड करता है चार्ज का स्थिति क्या है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे थे कि यहां से ही चार्ज उधर जा रहा है, यानी कि इधर से कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल गया। अभी इस पर जितना भी चार्ज था, कितना था चार्ज इस वाले के ऊपर, प्लस क्यू था, उसमें से कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, तो हम कह सकते हैं क्यू माइनस में क्यू चार्ज यहां बचेगा, ये बचेगा, प्लस क्यू में से कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां बचेगा, क्यू तो निकल गया रास्ते से। अब जितना यहां चार्ज है उतना ही चार्ज यहां पर दिखेगा, लेकिन माइनस में, इसमें कोई दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां -2 यहां पर +2 दिखेगा, ठीक है, और यहां से चार्ज यहां आ रहा है, ये भी देख लो ध्यान से, फिर यहां पर अगर हमको -2 दिख रहा है और +2 दिख रहा है, तो इस वाले पर कितना चार्ज दिखेगा, हमको दिखेगा +2q और -q,
क्योंकि इसका नेट चार्ज अभी भी क्यू ही रहना चाहिए। अब देखो तो देखो माइनस प्लस सॉरी प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म हो गया, दो क्यू में से एक क्यू खत्म हो गया, एक क्यू बच गया। यानी कि इस वाले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखो यहां जितना चार्ज होगा उतना ही यहां रहेगा लेकिन माइनस में, और इसका चार्ज क्योंकि ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है ना, ये क्या है आइसोलेटेड है, ये अगर आइसोलेटेड इसका चार्ज तो सेम रहना चाहिए जितना पहले था। यहां पर इंड्यूस होकर कितना चार्ज आया, तो इस पर चार्ज है कितना भाई, प्लस क्यू चार्ज है, इसका प्लस क्यू ही रहना चाहिए ना। तो देखो दो क्यू में से एक क्यू चला गया, एक क्यू बचा, ये दोनों खत्म। अब जितना यहां है उतना यहां पर भी आएगा, इस पर कितना आ जाएगा माइनस में टू क्यू और प्लस में क्यू इस पर आ जाएगा, इस पर और क्यू चार्ज आया है, देखो ध्यान से और क्यू चार्ज भी आया है, एक और क्यू चार्ज आ जाएगा क्योंकि इतना तो सिर्फ इसके कारण आया ना, और क्यू चार्ज आ गया। तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू कितना, और इस पर बाहर वाले में कितना चार्ज दिख रहा है प्लस में सिक्स क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया मेरी बात नहीं आया? अब देखो ध्यान से वो क्या करना है, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल हमको बराबर कर देना है। तो पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट सी, तो यहां का पोटेंशियल ड्यू टू ऑल, यहां का पोटेंशियल ड्यू टू ऑल बराबर करना है, बस इतना ही काम है। ए का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, इसका चार्ज कितना दिख रहा है के, इसका चार्ज के कितना माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन आर है ना, प्लस ज्यादा बड़ा बड़ा लिखे हैं क्या, ठीक है यहां पर ही लिख देते हैं है ना। इस पर बात करें तो इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहां पर भी हो जाएगा, इसलिए यहां पर तो के क्यू अपॉन टू आर ही दिखाएगा, कैपिटल आर लिख लेते हैं, और इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही यहां पर दिखाएगा, फिर के इस पर टोटल पोटेंशियल कितना है माइनस में टू क्यू और प्लस में टू क्यू और प्लस में सिक्स क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां दिख रहा है अपॉन थ्री आर, इसका वैल्यू जो दिखेगा अब सी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। इसके इस पर पोटेंशियल हमको लिखना है, तो लिखो के माइनस में थ्री क्यू प्लस में क्यू माइनस में क्यू अपॉन थ्री आर दिखाएगा, ये सॉल्व करना है तुमको, हमने सॉल्व करेंगे ठीक है। के माइनस टू क्यू प्लस में टू क्यू और प्लस में सिक्स क्यू अपॉन थ्री आर सॉल्व कर लेना ठीक है, इसको मतलब बराबर करके के की काट लेना, क्यू का वैल्यू सीधे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिए हैं पीडीएफ में वो सेम है, सी को पोटेंशियल जीरो कर लेना। अब बात करते हैं रॉड के ऊपर, चलिए लिख खत्म करो ठीक है, रॉड को भी देख लेते हैं फटाफट। इस बार कह रहे हैं कि शुरुआत में ए और बी के ऊपर चार्ज दिया हुआ प्लस थ्री क्यू और प्लस सिक्स क्यू, कह रहे हैं कि फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर अर्थिंग। चलो अर्थिंग की बात कर रहे हैं, हमने बी को कनेक्ट कर दिया है अर्थ से ठीक है। तो शुरुआत में पहले जब हम लोग पढ़ा करते अर्थ वाला छोड़ देना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते चार्ज का, याद है बताए थे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताए थे, तो बाहर वाले में इस दोनों का सम करके आधा बताए थे सिक्स और थ्री नाइन बाय टू जाएगा, तो प्लस में नाइन अपॉन टू क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा इस पे ठीक है, प्लस में नाइन अपॉन टू क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा थ्री क्यू चार्ज रहना चाहिए ना, यहां पर आ गया 4.5 चार्ज है ना प्लस में, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस में 1.5 क्यू चार्ज आ जाएगा, यानी कि माइनस में 3/2 हो जाएगा, माइनस में 3q/2 चार्ज आ जाएगा है ना, लाइन में से 3 चला गया 6/2 यानी कि प्लस 3q, और जितना यहां पर आएगा उतना ही, मतलब दोनों साइड यही आता था याद है, प्लस में 9/2q चार्ज दोनों का सम करके आधा इधर और उतना ही इधर, समझ में आ गया मेरा बात। और इस दोनों पर फिर अपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर प्लस में 3q/2 ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना। अब कह रहा है आफ्टर अर्थिंग, ये बात याद रख लो आफ्टर अर्थिंग ठीक है, प्लेन सीट ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं, बस अभी हम अर्थिंग भी आया है तो हम बस एक दो सवाल निपटा दे रहे हैं ना। अर्थिंग हम देखे तो ऑब्जर्व किए थे,
कि आउटर फेस वाले पर सारा चार्ज जीरो हो गया था, है ना। चार्ज ऑन आउटर फेस इक्वल टू जीरो हर समय रहेगा आउटर फेस में, ठीक है। अगर हम फिर से इसको रीड्रॉ करने का कोशिश करें, रीड्रॉ करने का अगर हम इसको कोशिश करते हैं आफ्टर अर्थिंग, तो हम अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ कर दिए हैं इसको, तो इस वाले फेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, सिमिलरली यहां पर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। बात समझ में आया? अब बताओ इस पर था कितना, प्लस थ्री क्यू, और ये तो आइसोलेटेड है, इसका चार्ज तो कहीं उड़ने वाला है नहीं, यानी कि यहां थ्री क्यू है, यहां पर हमको प्लस थ्री क्यू दिखेगा ही, सिमिलरली हमको यहां पर भी हमको माइनस थ्री क्यू ही दिखेगा। और अगर यहां माइनस थ्री क्यू दिख रहा है तो भाई टोटल चार्ज था इसके ऊपर थ्री क्यू सिक्स क्यू, तो कहीं ना कहीं अर्थ ने एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर दिया है ना। हेंस चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ इक्वल टू एक्स, है ना। तो एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई हुआ है पहले से, है ना, अर्थ एक्स एक्स दिया है, और पहले से यहां पर कितना था, नाइन क्यू बाय टू था, एक्स प्लस में नाइन क्यू बाय टू, ये दोनों मिल करके मिलता है कुछ नहीं, तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, नाइन क्यू बाय टू, दैट्स इट। इतना क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर एक्स ने सप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली फिर से देखो यहां पर थ्री क्यू है सिक्स क्यू है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो कर लेंगे, ठीक है। सिक्स और थ्री नाइन हो गया, नाइन बाय टू अगेन, है ना, यहां पर आ जाएगा नाइन बाय टू क्यू चार्ज इस पर आ जाएगा, और यहां पर भी आ जाएगा प्लस में नाइन बाय टू क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरली फिर दिखेगा माइनस में थ्री क्यू बाय टू, और यहां पर दिखेगा प्लस में थ्री क्यू बाय टू चार्ज दिखेगा, यानी कि 1.5 क्यू चार्ज दिख रहा है। टोटल यहां पर 6 क्यू, यानी कि यहां पर हमको दिख रहा है कि 4 क्यू 9 बाय 2 क्यू चार्ज यहां पर फिर से दिखेगा ये प्लस में, आज में। और अगर यहां प्लस में दिख रहा है तो यहां पर हमको दिखेगा माइनस में 9 बाय 2 क्यू चार्ज, और ये खत्म, ठीक है। और इस बार कह रहे हैं कि अर्थिंग हमने इस वाले को कर दिया है ना, आफ्टर अर्थिंग दिस वन, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। तो अगर ये दोनों खत्म हो जाएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूट फिर से कर लेते हैं, इस पर चार्ज नहीं रहेगा, इस पर चार्ज नहीं रहेगा, आफ्टर अर्थिंग, ये बिफोर अर्थिंग का कॉम्बिनेशन है, आफ्टर अर्थिंग ये दिखेगा। यहां पर चार्ज जीरो है लेकिन टोटल चार्ज थ्री है, तो यहां पर प्लस में थ्री क्यू ही रह जाएगा, यहां पर माइनस थ्री क्यू आएगा, अब इस पर है प्लस सिक्स क्यू, है ना, तो यहां माइनस थ्री क्यू दिख रहा है, तो यहां पर कितना आना चाहिए, नाइन क्यू चार्ज प्लस में, यहां पर माइनस में नाइन क्यू दिखने लगेगा, ठीक है। तो अर्थ ने कितना सप्लाई किया हुआ, इतना क्यू अमाउंट माइनस में सप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। ये हो गया आफ्टर अर्थिंग, छाप लो इसको जल्दी से, जल्दी छापो। यहां पर अगर लिखोगे चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ, क्या हो जाएगा, अर्थ ने कुछ एक्स दिया है, एक्स प्लस में, है ना, यानी एक्स प्लस में नाइन बाय टू क्यू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस में नाइन बाय टू क्यू, इतना सप्लाई हुआ है यहां पर, ठीक है। ये सारा सवाल हम पहले ही बता चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता चुके हैं, ये भी बता ही चुके थे, बस कुछ सवाल दिख रहा था, तुम लोग बना लेना अब, ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया आई थिंक, एक घंटे से ऊपर का हो गया होगा वीडियो। उसी तरह से अगला सवाल में हमको दिख रहा है बी, दिख रहा है कि बी वाले को जीरो कर लेना, बी सॉरी बी वाले जीरो नहीं कर लेना, बी को करेक्ट करोगे, अगर ये वाले करेक्ट करेंगे तब भी बाहर वाले को जीरो रखेंगे, ठीक है। एक करवा देते हैं, एक करवा देते, कॉपी करो, तो इस वाले में कह रहे हैं कि बी इस वाले को कनेक्ट कर दिए, है ना, इस वाले को अर्थ कर दिए, तो पहले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं चार्ज का, है ना। तो कितना हो गया हमारे पास, सिक्स थ्री नाइन में से टू चला गया सेवन, तो सेवन बाय टू क्यू यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर हमको दिखेगा कितना दिखेगा, माइनस में मतलब 3.5 दिख रहा है, माइनस में हाफ, माइनस में क्यू बाय टू, इज इट ओके, सेवन माइनस में वन सिक्स बाय टू, हाँ ठीक। तो सिमिलरली यहां पर दिखेगा प्लस में क्यू बाय टू, और यहां पर दिख जाएगा हमको टू क्यू दिख रहा है टोटल, यानी कि प्लस में दिख रहा है इतना, तो जरूर है कि माइनस में 5 बाय 2 क्यू तो दिखना चाहिए हमको, ढाई ढाई में से एक खत्म हो जाएगा तभी बचेगा,
ठीक। अब यहां प्लस दिख रहा है, प्लस में 5/2 क्यू, फ्रैक्शन में काम करने में बहुत कचरा है, पता नहीं कैसे डेटा लिख दिया हम गलती। खैर गलती नहीं है जी, मतलब इस तरह का डेटा आ चुका है, मैसेज पहुंच चुका है। खैर यहां प्लस में 5 क्यू दिख रहा है, 5/2 दिख रहा है, तो यहां पर हमको चाहिए 3.5 यानी 7/2 गॉट, दोनों बराबर होना चाहिए है ना। जैसे ही अर्थ करेंगे किसी भी प्लेट को, हम बता चुके हैं पिछले बारे बताया, देख लेना वो पैरेलल प्लेट वाला हम ऑलरेडी एक सेक्शन करवा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, तो आउटर फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सारी चार्ज जीरो कर लेंगे। अब फिर तो डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है, इसमें कितना चार्ज 3q है, तो भाई यहां पर तो 3q ही दिखेगा, यहां पर माइनस में 3q दिखेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अर्थ ने कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ने सप्लाई किया है, अर्थ ने कुछ 3q अमाउंट ऑफ, कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर दिया है। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, यहां पर इस वाले में ये जीरो है, तो अगर इस वाले पर जीरो चार्ज आ चुका है तो टोटल चार्ज तो था ना प्लस में 6q, इस पर तो प्लस में 6q दिखेगा ही, तो यहां पर दिखेगा माइनस में 6q। ठीक है, अब अर्थ ने अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया है तो हम कहेंगे क्यू प्लस में माइनस में 5/2 क्यू, सब मिला जुला करके हमको अब दिख रहा है इस वाले पर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है इस वाले प्लेट के ऊपर, या फिर हम ऐसे कर देते हैं टोटल चार्ज है पहले कितना है, एक काम करते हैं क्यू दिख रहा है, क्यू गया है प्लस में, इस वाले प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना था -2q, इस दोनों को जोड़ करके अब आ रहा है हमारे पास माइनस में 9q, सीधे सीधे हम जोड़ लेते हैं, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया माइनस में 9q प्लस में 2q, तो माइनस में 7q चार्ज अर्थ ने सप्लाई किया। बाय, तैयारी करो और PDF सबको मिल चुका है, क्वेश्चंस डील करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायपोल है ना, थोड़ा उसको पढ़ करके रखना सब कोई। ठीक है, बाय।